मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम सहरसा में हैं और हमारे साथ सिमरी बख्तियारपुर के विधायक जफर आलम जी हैं। जफर आलम जी समाज सेवा के दृष्टिकोण से काफी अहम माने जाते हैं और इनकी एक अलग पकड़ है बिहार की राजनीति में। जफर आलम जी से जानेंगे कई मुद्दे पर बातचीत के साथ साथ, जिस तरह कोरोना को लेकर खासतौर पर हाहाकार मचा हुआ है, जफर साहब आप क्या कहेंगे, क्या कुछ योजनाएं जो थी प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाई गई वो सफल रही? लॉकडाउन हुआ, फिर अनलॉक हुआ, लेकिन परेशानी बरकरार है, मरीजों की तादाद धीरे धीरे अब सहरसा में भी बढ़ने लगी है। परेशानी बरकरार नहीं बल्कि परेशानी बढ़ रही है। सरकार ने लॉकडाउन का फैसला जल्दबाजी में लिया, फिर सोचे समझे लिया। जब बिहार विधानसभा चल रही थी तो इन्होंने 16 तारीख को स्थगित कर दिया उसको, लेकिन लोकसभा को ये चलाते रहे, तब तक चलाते रहे जब तक मध्य प्रदेश की सरकार उन्होंने नहीं बना ली। आज जो भी प्रॉब्लम है वो मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए भारत सरकार ने इस देश को पर कोरोना थोप दिया। उससे पहले जब दिसंबर में अमेरिका में डिडक्ट हो गया, जनवरी में हमारे हिंदुस्तान में डिडक्ट हो गया, तो ये 500 सिक्योरिटी फोर्स के साथ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप साहब को बुला लिया और 1,00,000 से अधिक आदमी को खड़ा कर दिया गुजरात में, जिसके कारण आज गुजरात की स्थिति दयनीय हो गई। ऐसे समय में तो उनको अभी बुलाने की आवश्यकता नहीं। लॉकडाउन होने से पहले जितने विद्यार्थी थे या जितने हमारे मजदूर थे, सबको अपने अपने स्टेट जाने के लिए सुविधा मुहैया करा देते, अनाउंसमेंट कर देते, सब लोग अपने अपने घर चले जाएं, इतना तारीख से लॉकडाउन होने वाला। और अगर सारे मजदूर को विद्यार्थी को बुला करके 1 हफ्ता के बाद लॉकडाउन होता तो क्या होता कि न सरकार को इतने खर्चे का बोझ होता, न मजदूर परेशान होता, न मजदूर को 1100, 1200, 2500, 2300 किलोमीटर से पैदल चलना पड़ता। एक बच्ची ने अपने पिता को लेकर के और कितना लंबा सफर किया, हम उसकी सराहना करते हैं। वो जो सुर्खियों में आई आप उनकी बात कर रहे हैं, दिल्ली में हमने देखा लोग किस तरह से सड़कों पर चल रहे हैं, यूपी में देख लीजिए लोग किस तरह से आ जा रहे हैं। क्या परेशानी वो मजदूर जो यहाँ से बिहार से उत्तर प्रदेश से कमाने के लिए जाते हैं दिल्ली, वे यहाँ के नागरिक हैं और ऐसे में उनकी जो परेशानी है उस समय तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं था। जब हमने बीजेपी के कुछ नेताओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जब तक कोरोना का चल रहा था, लॉकडाउन था, उस समय दिल्ली में मौज मना रहे थे और अब आए हैं, अब गोपालगंज जाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? राजनीति नहीं, सरकार को जगा रहे थे, लोगों को न्याय मांग के लिए न्याय मांग रहे थे। और तेजस्वी यादव नहीं, हम समझते इस देश के पहले लीडर हैं जिन्होंने 2000 बस 50 ट्रेन का भाड़ा देने का ऐलान किया, सरकार पर दबाव बना, तभी मजदूर और विद्यार्थी को बाहर से दिल्ली से बम्बई से बिहार लाया जा सका। तेजस्वी यादव का जब तक ये विपक्षी चाहे बीजेपी हो या जदयू वाले हो, जब तक नाम नहीं लेते हैं तब तक इनका भोजन ही नहीं पचता। तेजस्वी यादव जो विपक्ष की भूमिका होती है उन्होंने मजबूती से और जिम्मेदारी से उसको उठाने का काम किया। पहले तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे, हर आदमी सुरक्षित था, प्रधानमंत्री सुरक्षित थे, गृह मंत्री सुरक्षित थे, हमारे मुख्यमंत्री जी सुरक्षित थे, आज भी कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो अगर तेजस्वी यादव अगर रह गए तो बड़ा सवाल हो गया। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि देश का मालिक आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, बिहार के मालिक आदरणीय नीतीश कुमार जी, सारे लोग आज तक लॉकडाउन है, उसकी कोई पुरसा हाल नहीं होता, उसका कोई पूछता नहीं है। और जो लेट से मंगाया गया इसके कारण बीमारी बढ़ी, यही नहीं जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया उसमें व्यवस्था बिल्कुल नगम थी, बिल्कुल चरमराया रहा। अभी पहाड़पुर पंचायत है एक सिमरी बख्तियारपुर में, 9 दिन से महाराष्ट्र से लोग आया हुआ था और उसको साबुन तक नहीं दे सका प्रशासन, किट तो बड़ी बात है, साबुन तक नहीं दे सका, मास्क नहीं दे सका। मुझे डीएम साहब को पत्र लिखना पड़ा
बार बार मैं डीएम साहब को नोट करता हूँ, लेकिन डीएम साहब आदेश दे देते हैं, वहाँ का अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी बिल्कुल सोया हुआ। ये लोग मुख्यमंत्री के योजना को बदनाम भी किया। यही नहीं, इस जो 3 महीने का सरकार ने मुफ्त में चावल देने का काम किया, उसमें भी घोटाला हो रहा है। पीडीएस वाला जो गल्ला देता है, आज भी उसमें कटौती हो रही है, आज भी उसमें भी ज्यादा पैसे लेकर दिए जा रहे हैं। हमारे जो अनुमंडल पदाधिकारी है, पूरे बिहार में वार्ड के हिसाब से अनाज का आवंटन होता है, ये एक वार्ड को 2-3 हिस्से में ईवी करके बांटे हैं, और प्रत्येक ईवी एक डीलर से दूसरे डीलर को देने के लिए 15,000 रुपया लेते हैं। ये खुलेआम है, जाके आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रशासन का कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का यह हालत है कि जो पीड़ित है, जो मार खाता है, जिसके साथ बलात्कार होता है, उसको 5 दिन तक दबाव दिया जाता है कि तुमको केस नहीं करना, और प्रताड़ित का जब आवेदन आ जाता है, प्रताड़ित करने वाले का, तब पीड़िता का आवेदन बदल करके केस किया जाता है। ऐसा अन्याय तो मैंने नहीं देखा। खेत में फसल कोई लगाता है, खगड़िया का ओपी प्रभारी, उसको रोपने में नहीं मना किया, उसको पानी पटाने में, खाद डालने में मना नहीं किया, जब वो काट लिया तो दूसरे पक्ष से प्रभावित होकर के उससे अपना स्वार्थ की सिद्धि होने के बाद उसके अनाज, उसको अनाज को खेत में रोक दिया। वो किसान 6 महीना मेहनत करके क्या करेगा, वो मरेगा कि नहीं मरेगा, इसकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। कानून का राज नहीं है यहाँ। जो पुलिस प्रशासन करे, जो प्रशासनिक पदाधिकारी करे, वही है। इसलिए इस सरकार में जो पीड़ित है, जो गरीब है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, ये बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग की बात है। चलिए अब थोड़ा सा बिहार की राजनीति पर चर्चा कर लेते हैं। प्रशासन व्यवस्था पर आपने उंगली उठाई, शासन व्यवस्था कैसी लग रही है? राजनीति है, क्योंकि आप MLA हैं और अपोजिशन के MLA हैं, ऐसे में क्या कुछ डेवलपमेंट के कार्य आपको लगते हैं जो होने चाहिए थे बिहार में, उसे रोका गया, नहीं होने दिया गया? 2-3 महीने से तो पूरी स्थिति चरमरा गई है, सारा योजना बंद है, पदाधिकारी के अंदर भय नहीं है, न कर्मचारी के अंदर भय है, न अपनी जिम्मेदारी के प्रति वो लोग सजग हैं, वो लोग उदासीन हैं, और काम में बड़ी ढिलाई बरतते हैं, जिसके कारण विकास ठप है। लाख मुख्यमंत्री जी चिल्ला ले, आप सब जाके देख लीजिए कि जल नल में क्या घोटाला हो रहा है, जहाँ नल जल लगाया जा रहा है उससे PhD चल रहा है, PhD उससे पैसा लिया जा रहा है, जो योजना है 7 निश्चय की शायद बंद हो गई है, उसमें आप जाके देख लीजिए 1 इंच से मोटी वो सड़क नहीं बनी है, ढलाई नहीं हुआ है, कितने दिन वो चलेगी? सिर्फ योजना लागू कर देना नहीं है मतलब, योजना का इम्प्लीमेंटेशन तरीके से हो, मजबूती से हो, उसकी निगरानी हो, कौन सुन रहा है? आज क्या हाल है मनरेगा का, पता करिए लोगों से। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि कोऑपरेटिव और व्यापार मंडल के जो PDS के डीलर थे, उनको 3 महीना के लिए सस्पेंड करके उनको राशन का आवंटन नहीं किया जाएगा, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में 7 पैक्स और व्यापार मंडल के डीलर को हमारे अनुमंडल पदाधिकारी ने गन्ने का आवंटन किया है। इतना ही नहीं है, कोसी नदी जहां अभी लोग नाव टपने में रूह कांपता है, वहां 60 रुपये प्रत्येक आदमी से भाड़ा लेकर के लोग अनाज लेने के लिए नदी के इस पार आते हैं। इस पार वाले को उस पार के डीलर से जोड़ दिया, और नदी के पश्चिम वाले को पूर्व से जोड़ दिया, नदी के पूर्व वाले को पश्चिम के डीलर से जोड़ दिया। हद तो यह है कि एक डीलर को अपने हिस्से का राशन दूसरे डीलर से लेना पड़ता है। बिल्कुल अंधा कानून है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। मैंने लिख के DM साहब को भी दिया है, और हमने मुख्यमंत्री जी को, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को, कार्मिक सचिव साहब को, सबको लिख के दिया है, देखिए क्या कार्रवाई होती है। अगर ऐसा भ्रष्ट SDO रहा, सिमरी बख्तियारपुर को सुधार होना संभव ही नहीं, असंभव।
जफर आलम साहब, एक सवाल और है। सिमरी बख्तियारपुर में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याओं का अंबार खड़ा हुआ दिखाई देता है, सड़कों के माध्यम से ही अगर देखें तो। क्या कुछ आश्वासन है आपका सिमरी बख्तियारपुर के लोगों से? साथ ही साथ विधानसभा चुनाव है अभी, उसमें कैसी रणनीति रहेगी? राजद आगे जाएगी या क्या लगता है ये राजद में कैसा मुकाबला रहेगा? पूरे बिहार में राजद आगे जाएगी, राजद की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने 15 साल देख लिया एनडीए की सरकार को। अभी डबल इंजन की सरकार 6 साल से चल रही है जी, और विशेष राज का दर्जा, विशेष पैकेज का दर्जा कहते कहते थक गए, और नीतीश बाबू ने हाथ जोड़ करके पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी कहा, लेकिन वो नहीं बन सकी। एक बिहार का मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, आपकी सरकार का सहयोगी है कि आप पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो, आपने उनकी कोई सुना भी नहीं। अरे उनकी इज्जत सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी बन जाने से क्या होगा। आज सहरसा को एम्स की जरूरत है, दरभंगा में मेडिकल कॉलेज है, मधुबनी में मेडिकल कॉलेज है, समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया है, मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज है, यहाँ सहरसा, सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया, मधेपुरा में शायद दिया है, मधेपुरा में शुरुआत हुई है, लेकिन एक मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज होने से ये 6 जिले का कोई वारा न्यारा होने वाला नहीं है। यहाँ हमारे जिला प्रशासन ने जमीन भी उपलब्ध करा दिया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार की कोसी क्षेत्र की के साथ सौतेलापन, विकास विरोधी नीति के कारण सहरसा को एम्स का दर्जा नहीं मिला, एम्स यहाँ नहीं स्थापित किया गया। अगर यहाँ होता तो नेपाल के लोग को फायदा होता, अररिया के फायदा होता, मधेपुरा को होता, खगड़िया को होता, सुपौल को होता, सहरसा को होता, सारे जिला को फायदा होता, और इससे आपको विदेशी करेंसी भी आती, बहुत बड़ा फायदा था। इस जिले की मांग है, और लोगों ने बड़ी मजबूती से इस मांग को उठाने का काम किया, जमीन भी उपलब्ध हो गई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की सहरसा के प्रति उदासीनता, कोसी के प्रति उदासीनता के कारण यहाँ एम्स नहीं हो सका। मतलब चलते चलते क्या संदेश रहेगा सिमरी बख्तियारपुर की जनता से, साथ के साथ पूरे भारत की जनता से? सिमरी बख्तियारपुर की जनता ने जिस उम्मीद से मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया, मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास किया हूँ, बहुत हद तक सुधार हुआ है। ये लोगों की जवान से मैं भी सुनता, चाहे वो हॉस्पिटल हो, अनुमंडल हो, क्या कहते हैं, प्रखंड हो, अंचल हो, थाना हो, बहुत हद तक सुधार हुआ है, और हमेशा मैं इसी टेंशन में जी भी रहा हूँ। हमारे यहाँ सबसे भ्रष्ट अगर कोई व्यक्ति है, कोई पदाधिकारी है, तो अनुमंडल पदाधिकारी है, जिसके कारण इस धूप में, इस रमजान जैसे मौसम में 4-4 किलोमीटर दूर डीलर के यहाँ से अनाज लेना पड़ा, जबकि उसके बगल में डीलर है, लेकिन आखिर क्या कारण है उतनी दूर डीलर के यहाँ से उसको टैग करने का? लाभुक के वार्ड में डीलर है, उससे टैग नहीं करके 4 किलोमीटर की दूरी पर किया गया, ताकि उसके यहाँ से पैसा लेने में इनको सुविधा होगी। इसलिए इस सरकार की नीति को पूरा बदनाम किया जा रहा है, कहीं किट भी नहीं दिया जा रहा, गलत हाजिरी बनाया जा रहा। मुझे तो ये भी जानकारी मिली कि कोरोना सेंटर से मास्टरों से 30% की मांग की जा रही है प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा। क्या मतलब है, जब कोरोना में, ये कोरोना आपको आसान मत समझिए, ये ऊपर से अल्लाह और ईश्वर का ये डंडा चला, समझ गए ना? कितना बड़ा हिटलर हो, चाहे वो हमारे मोदी जी हो, चाहे वो चाइना के प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, सारे लोग बेबस हो गए ना, किसी की कुछ चली गया, तो कोई ताकत है जब देखती है कि देश में, दुनिया में जब आतंक का राज हो, जब बेईमानों का राज हो, जब नाइंसाफी होने लगे, लोगों के साथ अन्याय होने लगे, तब वहां से रिमोट से कंट्रोल होता है, और वही हुआ है। अभी आपने सुना तूफान आया, कोई सुना कि टिड्डी का झुंड आ रहा है, ये सब क्या है? ये अल्लाह का कहर है, ईश्वर का बोलिए दंश झेल रहे हैं हम लोग, और फिर भी कोई सुधार नहीं। जब कोरोना जैसे व्यवस्था में लोगों ने रिश्वतखोरी की, उसमें भ्रष्टाचार किया,
तो कहां से कोरोना खत्म होगा? इसलिए पाप जब धरती पर बढ़ता है तो इस तरह की बीमारी, इस तरह के वबा आती है। पहले सुने होंगे हैजा था, प्लेग था, वो सब तो दूर हुआ, और अब जो है सो जब फिर पाप बढ़ गया तो कोरोना जैसी बीमारी, जैसे टिड्डी जैसी हवा। आप जान लीजिए गेहूं की आधी फसल किसानों की खेत में बर्बाद हो गई, मकई की फसल बर्बाद हो गई, मूंग की फसल बर्बाद हो गई, और यहां से जिला कृषि पदाधिकारी जब भेजते हैं तो वहां का जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी है वो खेत तक नहीं जाता है और कहता है कि सिमरी बख्तियार गुरु मकई नहीं हुआ। वो कैसा कृषि पदाधिकारी है जिसको यह भी जानकारी नहीं है कि सिमरी बख्तियारपुर के 5-6 पंचायत में 6 पंचायत में मकई होता है और बेहतरीन मकई होता है, उस बेचारे को मुआवजा नहीं मिला, फसल क्षति नहीं मिलती है। सिमरी बख्तियारपुर को तो सहरसा में किया हुआ है? नहीं, सिमरी बख्तियारपुर को नहीं किया, सिमरी बख्तियारपुर नहीं है, नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट जिला जैसे जिला में कुछ प्रखंड को सिलेक्ट किया गया, और ये पर हमने दो दो बार जिला कृषि पदाधिकारी को फोन करके तब बताया था कि भाई फला फला पंचायत में जैसे चानन है, बिलवाड़ा है, कडुमर है, घोगसम है, धनुपुरा है, भटोनी है, तरियामा है, ये सब पंचायत में मकई की फसल बहुत अच्छी होती है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीएओ कोई नहीं गया, और जवानी घर बैठे बैठे रिपोर्ट कर दिया। कोई कृषि सलाहकार जाता है क्या? कोई बीओ जाता है क्या? सब खाना पूरी हो रही है, एसी में बैठ करके फॉर्मूला तय करते हैं कि पटना में भी इंदिरा आवास का 1,40,000 और वो धनुपुरा में भी 1,40,000, जहां 20,000-25,000 एक्स्ट्रा कैरेज लगेगा। ये तो हालत है। तो हम बात कर रहे थे सिमरी बख्तियारपुर के एमएलए जफर आलम जी से, और इन्होंने जिस तरह से इस सरकार के प्रति अपने भरोसे को दिखाया है, कहीं ना कहीं उसे देखकर आपको लगेगा कि क्या एक एमएलए इतनी सारी परेशानी बता सकता है? अगर एमएलए की इतनी परेशानी हो तो जनता कितना परेशान होगी, और इनका सीधा सीधा आरोप है भाजपा नित एनडीए गठबंधन पर कि जिस तरह से बिहार सरकार काम कर रही है, स्पष्ट रूप से जिस गुंडा राज की बात पहले वो क्या करते थे, वो गुंडा राज काल तो नहीं था, लेकिन ये महागुंडा राज काल जरूर हो गया है। आने वाला समय बिहार में चुनाव का है, और ऐसे में जनता को सब दिखता है, और जनता ही तय करेगी कि आखिर बिहार में इस बार किसकी सरकार को बिठाना है और किसकी कुर्सी खाली करवानी है। कैमरा पर्सन अंबुज कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार।